सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। इजराइल और फिलिस्तीन की एक बड़ी अपडेट आपके सामने लेके आया हूं और इसी अपडेट में आपको बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी न्यूज आपको देने वाला हूं। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करेंगे। जी हां, इजराइल जो है जंग की फिर से तैयारी कर रहा है, लेकिन इस बार इजराइल जो तैयारी कर रहा है जंग की, वो हिजबुल्लाह के खिलाफ तैयारी कर रहा है। जी हां, ऑफिशियल रिपोर्ट आ चुकी है, सारी इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया में ये बात आ चुकी है कि खतरनाक तैयारी इजराइल की चल रही है हिजबुल्लाह के खिलाफ। दोस्तों, इजराइल ने एक नई ब्रिगेड बनाई है जिस ब्रिगेड का नाम है कफीर ब्रिगेड। इस ब्रिगेड को हमास के खिलाफ और हिजबुल्ला के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस ब्रिगेड को इजराइल अलग तरीके से ट्रेन कर रहा है। बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक घमासान हिजबुल्ला के साथ इजराइल की हो सकती है। देखना यह है कि कब और कैसे यह घमासान शुरू होती है। दोस्तों, इस ब्रिगेड को नई टेक्निक सिखाई जा रही है, नई टेक्नोलॉजी से ये लेस है और नए नए हथियारों का इनको इस्तेमाल करना सिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस मिलिट्री को, इस ब्रिगेड को अपने ही लोगों के खिलाफ, यानी जब सिविल वॉर अगर देश में इजराइल में हो जाए तो कैसे ही अपने ही लोगों के खिलाफ इस मिलिट्री को, इस ब्रिगेड को, इस ग्रुप को इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, इस ब्रिगेड के अंदर भी 5 ब्रिगेड शामिल हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी। जी हां, इजराइल ने इस ब्रिगेड को 2005 में बनाना शुरू कर दिया था, जिसका उस वक्त भी यही मकसद था कि इस मिलिट्री को, इस ब्रिगेड को हमास, गाजा, फिलिस्तीन और हिजबुल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार 24/7 कंटिन्यू मिलिट्री एक के बाद एक प्रैक्टिस कर रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको हल्का फुल्का लग रहा है तो बता दूं, इजराइल के आर्मी चीफ ने इसका अपडेट दिया है। दोस्तों, अब आपको मैं इजराइल के सैटेलाइट्स का आतंक दिखाऊंगा। शेख जर्रा में लगातार फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया जा रहा है और चलते फिरते ये शख्स है एक जो इजरायली है, यहूदी है, चलते फिरते किसी पर भी पेपर, यानी पेपर स्प्रे, मिर्च वाला पाउडर और मिर्च वाला स्प्रे फिलिस्तीनियों के मुंह पर छिड़क रहा है, बिना बात के, बिना किसी मतलब, बिना किसी वजह। लगातार इनके आतंक बढ़ते जा रहे हैं। तस्वीरें इस बात की दलील हैं कि इजराइल में रहने वाले लोगों की सोच कितनी घटिया, बेहुदा और आतंक की सोच है। दोस्तों, इसी के साथ मस्जिद अल अक्सा के गेट से फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया और लगातार गिरफ्तारी जारी है। तस्वीर आप देखिए, थोड़ा सा शोर आ रहा है। अभी मैं आपको पहले बता देता हूं कि फिलिस्तीनियों को मस्जिद अल अक्सा के गेट से गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी को देखते हुए यहूदी वहां जो लोग जो मौजूद थे, उन्होंने गाना गाया, खुशी मना रहे हैं। देखिए, सुनिए ध्यान से। ये हाल है फिलिस्तीन का। दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी अपडेट दे दूं कि फिलिस्तीनी आपस में भी लड़ रहे थे। यह अपडेट दे चुका था मैं आपको, क्योंकि महमूद अब्बास यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने एक कत्ल करवा दिया है जर्नलिस्ट का। जी हां, सच बोलने पर, सवाल करने पर यह आरोप राष्ट्रपति पर लगे हैं। अब राष्ट्रपति के पुलिसकर्मी और उनके अधिकारियों ने बहुत ज्यादा जुल्म और सितम फिलिस्तीनियों पर ढाए, जर्नलिस्ट को भी मारा पीटा, उसके बाद अभी भी प्रदर्शन जारी है। दोस्तों, अब ये तस्वीर देखिए, ये सभी पत्रकारों ने मिलकर फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन के दफ्तर के बाहर सारे जर्नलिस्ट ने बैठकर अपना विरोध जताया है। दोस्तों, इसके बावजूद प्रेस वालों को किस तरह से खुद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति निशाना बनवा रहे हैं, और आपको बता दूं, फिलिस्तीन की आर्मी, फिलिस्तीन की पुलिस ही किस तरह से फिलिस्तीन के जर्नलिस्ट को लगातार प्रताड़ित कर रही है। कुछ तस्वीरें आपके सामने।
दोस्तों ये सारा जो बवाल चल रहा है फिलिस्तीन वर्सेस फिलिस्तीन और सिविल वार शुरू हो गई है, वो एक जर्नलिस्ट की वजह से शुरू हुआ था। जर्नलिस्ट जो है नज़ार बेनेट, दोस्तों उसकी मौत हो गई थी, मतलब मारा गया उनको। किसने मारा ये आप जानते हैं। अब लोगों ने जांच की मांग उठाई तो इनकी फैमिली ने साफ मना कर दिया। उनका कहना यह है कि भैया जिसकी सरकार है वही जांच करवाएगी, तो जांच रिपोर्ट तो उनके खिलाफ आएगी नहीं, क्योंकि कातिल ही जज बने बैठे हैं। यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के अधिकारियों ने ही जर्नलिस्ट को मरवाया, अब उन्हीं के अधिकारी जांच करेंगे तो रिपोर्ट क्या आएगी, आप समझ सकते हैं। इसको देखते हुए जर्नलिस्ट के घर वालों ने जांच से इनकार कर दिया है। दोस्तों जर्नलिस्ट जो इस वक्त दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी वाइफ ने भी इस बात को कहा है कि जो कातिल है वही जज बन रहे हैं। देखिए वीडियो। عندما ذهبت إلى القبر ورأيت الكم الهائل من الناس وجميع الشعب للأمانة بداخلي برد قلبي ووقف نصف قلبي على زوجي وعلى فراقه. نزار لم يمت يا إخواني. दोस्तों फिलिस्तीनियों को इसराइल किसी भी तरह से अरेस्ट कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका है किसी को भी अरेस्ट करके बोल देंगे कि इसके पास चाकू था, और खुद ही उसकी जेब में चाकू रख देंगे या उसकी लाश के पास चाकू रख के उसको आतंकवादी घोषित कर देंगे। दोस्तों अब ये महिला को आप देखेंगे, इस महिला को इसराइल की पुलिस ने जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया और कहा कि इसके पास चाकू था। और दोस्तों ये आज की कहानी नहीं है, ये रोज की इसराइल की यही कहानी है। दोस्तों इसके साथ अब एक तस्वीर आप फुल स्क्रीन पर देखिए, ये मस्जिद अलक्सा के अंदर का हाल है। यहूदी रोज वहां पर जाते हैं, डेली घूमते हैं और लगातार वहां पर जो मन में आता है करते हैं। हमास और बड़े बड़े जो फाइटर थे वो इस वक्त खामोश हैं। यहूदियों के मस्जिद अलक्सा के अंदर पहुंचने घूमने फिरने पर पूरी तरह से इस वक्त हमास खामोश है। इतना ही नहीं, यहूदियों का सबसे बड़ा नेता बेंजामिन भी आप तस्वीरों में देखिए, संडे को पहुंच गया था मस्जिद अल अक्सा के अंदर। सबसे बड़ा फसाद यह है जो लास्ट फ्लैग मार्च निकाला गया था, जिसके बाद दंगे हुए थे, जिस रैली में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुर्मती की गई थी, वो रैली इसी शख्स ने निकलवाई थी। दोस्तों इसराइल के कोर्ट भी लगातार आतंक मचा रही है। इसराइल में जो कानून है वो इसराइलियों के लिए अच्छा है, लेकिन गैर इसराइलियों के लिए फिलिस्तीनियों के लिए एकदम आतंक है। दोस्तों इसराइल की कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि जितनी जल्दी हो सके 1100 लोगों को बोला कि अपने घर को खाली कर दीजिए, क्योंकि हम वहां पर पार्क बनाएंगे। इसराइल वहां पर पार्क बनाएगा डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पर भी इसराइल में आतंक शुरू है। लोगों ने परेशान होकर अपने ही पुश्तैनी मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने, दिल को जला देने वाली, आंखों को नम कर देने वाली तस्वीर। लोगों ने अपने मकान को, अपने आशियानों को खुद ही गुस्से में तोड़ डाला कि हम अपने मकान को खुद तोड़ देंगे, लेकिन इसराइलियों के हाथ में नहीं देंगे। लेकिन अफसोस के साथ बता दूं कि इसराइल उसके बावजूद कामयाब होंगे और इस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। दोस्तों ये रोज का हाल है और लगातार ये हो रहा है। आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अल्लाह से दुआ कीजिए कि दुनिया में शांति और अमन आए और फिलिस्तीनियों पर जुल्म खत्म हो जाए। अगर आप फिलिस्तीन के साथ हैं तो इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजा ग्राफी। जय हिंद।